तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के मुकाबले 9 और 10 तारीख को खेले जाने वाले हैं, जहां पर 9 नवंबर को मुकाबला होने जा रहा है न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान का, वहीं दूसरी तरफ 10 नवंबर को मुकाबला होगा इंग्लैंड बनाम भारत का। अब दोस्तों दोनों मैचों में आखिर कौन सी टीम का पलड़ा है भारी और कौन सी टीम जा सकती है फाइनल मुकाबले में, क्या इंडिया बनाम पाकिस्तान का फाइनल होना संभव है, बताएंगे आपको आज की वीडियो में और सारी देंगे रिकॉर्ड की जानकारी। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा और अंत में अगर वीडियो पसंद आती है तो फिर दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुकाबले की, जो कि 9 नवंबर न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दें, इस मुकाबले में आप बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के हेड टू हेड मुकाबलों की या फिर आप बात करेंगे ओवरऑल T20 आइस के मुकाबलों की, तो दोस्तों दोनों में पाकिस्तान का पलड़ा ज्यादा भारी रहता है। दोस्तों आपको बता दें, न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के बीच अब तक ओवरऑल T20 आइस मुकाबले 28 खेले गए हैं, जहां पर 17 में पाकिस्तान को जीत का सामना करना पड़ा है, मतलब जीत मिली है। वहीं दोस्तों 11 मुकाबले में न्यूजीलैंड को जीत मिली है, मतलब यहां पर सीधे पलड़ा पाकिस्तान का काफ़ी भारी है न्यूजीलैंड पर। और बात करें हम केवल T20I वर्ल्ड कप की, तो दोस्तों दोनों के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं, यहाँ पर भी दोस्तों पाकिस्तान का पलड़ा ज़्यादा भारी है। यह टीम पकड़ लेती है न्यूजीलैंड को बड़ी आसानी से। टोटल 6 मुकाबले खेले गए हैं, 4 में पाकिस्तान को जीत मिली है, वहीं 2 मुकाबलों में मात्र न्यूजीलैंड जीत पाई है। दोस्तों ये तो होगी पहले मुकाबले की बात, अब आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर पाकिस्तान का पलड़ा ज़्यादा भारी रहता है न्यूजीलैंड की टीम पर, लेकिन क्या न्यूजीलैंड मात दे पाएगी कल के मुकाबले में, देखने वाली बात होगी। आप बताइए आप किसकी साइड हो, पाकिस्तान की या फिर न्यूजीलैंड की? क्या आप न्यूजीलैंड बनाम भारत का मैच देखना चाहते हो या फिर पाकिस्तान बनाम भारत का मैच देखना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दूसरा मुकाबले की बात करते हैं 10 नवंबर वाले की, जहां पर है एक तरफ इंग्लैंड की टीम, वहीं दूसरी तरफ होगी हमारी भारतीय टीम। दोनों के बीच अब तक टोटल T20I मुकाबले खेले गए हैं 22, यानी कि 22 मुकाबले टोटल खेले गए हैं। यहां पर दोस्तों इंडिया का पलड़ा ज्यादा भारी रहता है। यहां पर दोस्तों 12 मुकाबलों में जीत हासिल की है भारतीय टीम ने, वहीं इंग्लैंड के हिस्से में केवल 10 जीत आई हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं T20I वर्ल्ड कप की केवल, तो दोस्तों दोनों टीम ये T20I वर्ल्ड कप में 3 बार आमने सामने आई हैं। यहाँ पर भी दोस्तों भारतीय टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है, यहाँ पर 2 बार भारतीय टीम को जीत हासिल करने में सफलता प्राप्त हुई है, वहीं दोस्तों इंग्लैंड को केवल 1 बार। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ पलड़ा एशियन टीमों का भारी रहने वाला है बाहर की टीमों के कंपैरिजन में, मतलब कि दोस्तों यहाँ पर आशंका तो यही है कि इंडिया बनाम पाकिस्तान का फाइनल हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पिच मदद करेगी दोनों टीमों को। यहाँ पर एक तरफ होगी इंग्लैंड, दूसरी तरफ होगी न्यूजीलैंड। अब दोस्तों पिच जब मदद करने वाली है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को, तो देखने वाली बात होगी कि किसकी तरफ झुकाव ज्यादा रहता है। मेरी माने तो यहाँ पर मुझे लगता है इंडिया बनाम पाकिस्तान का फाइनल तैयारी पर है और आपको होता हुआ भी दिख जाएगा। आप क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। यही था आज की छोटी सी वीडियो में, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।